राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे कल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के छठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके दौरे को लेकर धर्मशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति का कल शाम को दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। वे 15 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे, जबकि कार्यक्रम में कुल 485 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की जाएंगी। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति का कल रात्रि ठहराव धर्मशाला में ही होगा, जबकि 11 जून को वे लाहौल स्पीति जिले के सिसू जाएंगे और वहां से अटल टनल रोहतांग के माध्यम से मनाली लौटेंगे। रामनाथ कोविंद अटल टनल रोहतांग का जायजा भी लेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह जो है वो 10 जून को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जो है बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला कॉलेज रोड पर और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जो है धर्मशाला कॉलेज का ऑडिटोरियम है, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं और धर्मशाला के चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा में चूक है वो ना हो। तस्वीरें आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है लगभग 485 मेधावियों को जो है डिग्रियाँ प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति जो है करीब 4:50 पर जो है ऑडिटोरियम पहुँचेंगे और करीब 1 घंटा जो है इस कार्यक्रम में रहेंगे। राष्ट्रपति द्वारा 15 मेधावियों को जो है डिग्रियां वितरित की जाएंगी। उसके अलावा बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के जो जहां तैयारियां अंतिम दौर में हैं, वहीं जगह जगह जो है चेक पोस्ट बना दी गई हैं। इसके अलावा क्योंकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और बहुत कम समय के लिए जो है वो ट्रैफिक इत्यादि को रोका जाएगा, ताकि जो लोग हैं उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा यदि बता दें आपको तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति का दौरा है उसको देखते हुए जो है फुल रिहर्सल जो है वो आयोजित की जा रही है। पिछले कल भी यहाँ पर आयोजन जो है रिहर्सल का हुआ था और राष्ट्रपति के काफिले को लेकर एक बार पुनः रिहर्सल का दौर जो है वो जारी है। साथ ही आज शाम 5 बजे जो है करीब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा भी ऑडिटोरियम में एक रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो छात्र भाग लेंगे उनके लिए ये रिहर्सल का आयोजन होगा और इस रिहर्सल के माध्यम से जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वही जो है अंतिम जो कार्यक्रम होगा, इनके जो कल 10 जून को कार्यक्रम होगा, वही छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो इस रिहर्सल में शामिल होंगे। तो तमाम तैयारियां जो है वो राष्ट्रपति के दौरे को की जा रही हैं। डीडी न्यूज़ के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।